वेलकम टू द चैनल। एक नोटिफिकेशन आप लोगों को देना है कि अब हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब में स्टडी की अभिलाषा नाम से जाना जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल फॉर दिस न्यू नेम एंड लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर फॉर बिजनेस स्टडीज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टडी की अभिलाषा आपके लिए पेश करते हैं आज का लेक्चर फ्रॉम द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके रूट तक जाओ। लेट्स अंडरस्टैंड मैनेजमेंट फर्स्ट। क्या होता है मैनेजमेंट? आपका घर वो भी मैनेज किया जाता है, इसलिए लाजमी है एक मैनेजमेंट होता है। आप अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हो, एग्ज़ाम कब होना है, कितने दिन बाकी हैं, कितना कोर्स बाकी है, कितना चैप्टर बाकी है, कैसे उसको ख़त्म करेंगे, एक दिन में क्या टारगेट होगा, करते हो ना। उसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज भी मैनेजमेंट करती हैं, उनके भी टारगेट्स होते हैं, उनके पास लोग होते हैं, उनके पास टास्क होते हैं, काम होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, हर इंसान को भगवान ने एक बराबर से 24 घंटे दिए हैं। उसी 24 घंटे के टाइम मैनेजमेंट ने किसी को अंबानी बना दिया, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बना दिया, कोई बेचारा अभी भी वॉचमैन है या डाउन ट्रोडन सेक्शन से है। सो ये सारा खेल जो है वो मैनेजमेंट का होता है। कैसे आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हो, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, घर से ही शुरू करो, घर से ही समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल फंड्स पापा लाते हैं, मैनेज कौन करता है? मम्मी करती हैं। घर के ऑपरेशंस क्या क्या हैं? क्लीनिंग, डस्टिंग, फूड, क्वालिटी ऑफ लिविंग, बर्तन, कपड़े, बहुत कुछ होता है यार, हमें समझ में नहीं आता। बट शायद अब लॉकडाउन में जब सब घर पे हैं तो शायद समझ में आ रहा होगा कि घर मैनेज करना भी इतना आसान नहीं होता है। वी शुड बी थैंकफुल टू आवर मदर्स, बहुत अच्छी बात है जिन्हें अब समझ में आया है, और जो पहले से समझते थे उनके लिए हैट्स ऑफ। सो थोड़ा हाथ भी बढ़ाया करो उनका काम में, सारी चीज़ें मम्मी पापा के ऊपर मत रखो। काम बढ़ जाता है जब, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या रखते हैं? मेड। मेड नहीं रखेंगे सो वी ऑल गो मैड, होता है ना ऐसा। सो मेड जो है वो क्या हो गई? एम्प्लॉय हो गई हमारी, काम बटाने के लिए, काम को कम करने के लिए। स्टडी कैसे मैनेज करते हैं खुद भी जानते हो। कुछ भी हो, चाहे जो हो, KG1 से लेकर के अभी तक पास होते आए हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठा के सेट हो जाता है। थोड़ा सा और टाइमली मैनेज कर लोगे तो शायद टॉप करो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, स्कूल लेवल, या अपनी क्लास तो टॉप कर ही सकते हो। तो थोड़ा सा समझो कि मैनेजमेंट क्या है एंड फॉलो भी करो। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस स्टडी वी नॉट ओनली स्टडी, read and mug up the definitions, characteristics or features like this. We emphasize more upon case study. Case study, जब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड यहाँ जाएंगे, सो आपको केस स्टडी से ही सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, rather than mugging up definitions or mugging up bookish knowledge. Let's do both all together. Let's have a look at today's lecture. हम बहुत सारी केस स्टडीज़ आज करेंगे इस लेसन में. The very first one is the HCL, Shiv Nadav. Do not expect me to give you the full form of HCL or any such acronyms that are upcoming in the whole lecture. Use
your smartphones for the smart purposes. Keep the dictionary with you handy, a pen and a notebook. Do make notes on a regular basis. एक समय था जब पूरे हिंदुस्तान में करीब 250 कंप्यूटर्स बसते। उस वक्त शिव नाडर, इन्होंने अपनी एक यंग टीम बनाई और पूरे जोश के साथ उन्हें यकीन था कि वो हिंदुस्तान में इंडिजीनस आईटी इंडस्ट्री, स्वदेशी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ये विज़न 1976 यानी 1976 में देखा था, और सपना तो हर कोई देखता है, बट ठीक 30 सालों के बाद HCL 3.5 बिलियन US डॉलर ग्लोबल एंटरप्राइज बन सका। HCL आज की डेट में दुनिया का IT इंडस्ट्री का एक लीडर है, जिसके करीब 41,000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम करते हैं, यानी कि ये HR एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी करते हैं। ग्लोबल प्रेजेंस इनकी 16 देशों में हैं, स्पैनिंग लोकेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान, एशियन कंट्रीज एंड द पैसिफिक रिम। HCL का बिजनेस आज की डेट में IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे BPO भी कहा जाता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। HCL Enterprises इज़ अ लीडर इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड IT सर्विसेज। कैसे 30 सालों में एक दिल्ली बरसाती का सपना एक 3.5 बिलियन US डॉलर एंटरप्राइज खड़ा कर दिया? दैट इज़ द पावर ऑफ मैनेजमेंट। 1978 में जब एप्पल और उसके 3 साल पहले IBM, उसी दौरान HCL ने भी अपना कदम IT इंडस्ट्री में रखा। दिस वॉज कंसिडर्ड बाई मैनी इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स एज द बर्थ ऑफ द इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री। अंडर द एबल डायरेक्शन ऑफ इट्स फाउंडिंग फादर्स, इट कमेंस्ड ग्लोबल ऑपरेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1988। एक एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी एबिलिटी होती है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, खतरा उठाना जिसे आता है वही एंटरप्रेन्योर कहलाता है। सो हिज रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज लेजेंडरी एंड ही हैज ऑफन मेड डेयरिंग फोरेज बेस्ड ऑन हिज कन्विक्शन ऑफ द फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है उसको फॉरेसी करने की ताकत उनमें बेशुमार मौजूद थी। एट अ टाइम व्हेन हार्डवेयर वाज़ द नेम ऑफ द गेम, नादर फॉरेसॉ द ह्यूज पोटेंशियल इन द एरिया ऑफ द IT एजुकेशन एंड लर्निंग फ्रॉम विच NIIT वाज़ बॉर्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। येट अगेन व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज़ स्टिल इन द नेसेंट स्टेजेस, शुरुआती दौर पे थे, उभर रहे थे, शिव नाडर टुक द लीड एंड टुडे HCL इज़ अ फोर्स टू रिकॉन विद इन द ग्लोबल मार्केट्स। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ HCL एंटरप्राइजेस कंसिस्ट्स ऑफ 2 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया, नेमली HCL टेक्नोलॉजीज एंड HCL इंफोसिस्टम। शिव नाडर इज़ द चेयरमैन एंड CEO. He attributes the success of the group to its management team and their entrepreneurial spirit, which together have enabled it to handle rapid changes in environments and technologies and to transform threats into opportunities. These threats and opportunities are the same from the SWOT: strength, weakness, opportunities, threats. Fundamental to the process has been the development of new paradigms for the unprecedented situations into which the group ventures. Risk liya to ab bade bane. These include guidelines for organization restructuring, market creation, technology leveraging and business upscaling.
किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, उसके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है। फ्री में सब काम सबको चाहिए, लेकिन प्रॉफिट इज़ द फर्स्ट थिंग फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यार माना वो बहुत बड़ा आदमी है, बिल गेट्स है, खाना तो खाता है, रहने को घर चाहिए, पैसा नहीं होगा काम नहीं होगा। सो प्रॉफिट्स आर द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइज। टीचर है, नोबल कॉज कर रहा है, करना चाहता है, कितना करेगा? ही ऑल्सो नीड्स मनी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सेम वे वे हर एक को पैसों की ज़रूरत है। सो प्रॉफिट्स आर द प्राइम मोस्ट फैक्टर। एट HCL द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखोगे, वो आपके कस्टमर को सेटिस्फाई रखेगा, हु इन टर्न्स क्रिएट्स प्रॉफिट्स दैट लीड्स टू द सेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स। HCL हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज डेज एंटरप्राइजेज आर एसोसिएटेड नॉट ओनली विद द प्रॉफिट्स मोटो बट ऑल्सो विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR कहते हैं, फॉर कंपनीज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट हैज़ सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एजुकेशन इन विच 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अकॉर्डिंग टू शिव नाडर द फ्यूचर बिलोंग्स टू द ग्लोबल एंटरप्राइज विच इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ अकॉर्डिंग टू द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। सो दिस इज़ द केस स्टडी जिसमें से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे प्राइम मोटो प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ एसोसिएटेड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक विजन बहुत बड़ी चीज़ होती है जो एक एंटरप्रेन्योर देखता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी से अपने सपने को सही बनाता है, बड़ा बनाता है। इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री की बर्थ HCL से हुई। NIIT जैसे इंस्टीट्यूट्स स्थापित हुए, स्टैब्लिश हुए, जहाँ से सैकड़ों छात्र छात्राएं हर साल निकलते हैं। फिर आपने सीखा एम्प्लॉयज़ HR मैनेजमेंट, सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड कस्टमर्स क्रिएट करेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने देखा कैसे शिव नाडर का विजन फ्यूचर फॉरसी करता था। सो एसेंस समझिए, रट्टा मत मारिए, लेट्स मूव अहेड। अभी हमने बात किया HCL जो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल का, नॉट ओनली इन इंडिया। इट हैज़ राइजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि पान की टपरी को भी मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्किल इज़ रिक्वायर्ड। सो नेवर थिंक एनी बिजनेस कि वो छोटा है या लो है, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फैब मार्ट का, जैसे डी मार्ट हमारा है। फैब मार्ट की एक ब्रांच मैनेजर है सुहासिनी। अभी हमने बात की थी शिव नाडर जी जो CEO और चेयरमैन लेवल पे काम कर रहे थे, सुहासिनी एक ब्रांच मैनेजर है। फैब मार्ट एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वाइल प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एम्प्लॉयमेंट टू ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट हर कोई प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो शिव नाडर जी हों चाहे वो सुहासिनी हों। फैब मार्ट सोर्सेज इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम ओवर 7,500 क्राफ्ट पर्सन्स एंड आर्टिजन्स अक्रॉस इंडिया। क्या लगेगा इसके लिए? प्लानिंग। प्लानिंग द प्रोडक्ट्स इज़ अ डिफिकल्ट टास्क दैट इज़ डन बाई अ टीम ऑफ मार्केटिंग एंड डिज़ाइन एक्सपर्ट्स टू इंश्योर दैट वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। दीज प्लान्स आर देन कम्युनिकेटेड बाई सुहासिनी टू द रूरल आर्टिसंस कि मार्केट में क्या चाहिए। दिवाली है,
रंग बेचोगे तो चलेगा क्या? क्या बिकेंगे दिवाली में? दिए। सो ये कम्युनिकेट करना पड़ता है। फैबमार्ट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच एक्चुअल प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ सेवरल स्किल्ड आर्टिसंस एंड मार्केटिंग इज डन बाय स्टाफ एट ब्रांचेस सच एज द वन मैनेज्ड बाय सुहासिनी। उस तरह से और ब्रांचेस के अलग अलग मैनेजर्स हैं। दिस मीन्स कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड मोटिवेशन टू हर एम्प्लॉयज। शी ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन इज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान्स इन ऑर्डर टू इंश्योर रेगुलर सेल्स। तो यहाँ हमने क्या देखा? अ मैनेजर, अ सीईओ और अ चेयरमैन, सबका काम क्या होता है? मैनेजमेंट करना। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, उसकी प्लानिंग करना। जैसे सुहासिनी ब्रांच मैनेजर थी फैब मार्ट की। एक टीम होती है मार्केटिंग की, डिज़ाइन एक्सपर्ट्स की। प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या एक छोटा सा शॉप। बड़ी कंपनीज हैं सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होंगे। डायरेक्शन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ को, और ये सारे काम एक सीरीज़ में होते हैं दैट आर इंटर रिलेटेड एंड इन कंटिन्यूस फंक्शंस। अब चलो चैलेंज आ गया, फेस्टिवल आ गए। डील किस पे करती है? फैब मार्ट, इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स। दिवाली, क्रिसमस, ये सारा समय मेन पीक सीजन है फॉर बिजनेस। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स, रिक्रूटिंग मोर आर्टिसंस। सो सुहासिनी ऑल्सो हैज़ टू रेगुलरली कम्युनिकेट विथ हर सप्लायर्स टू एंश्योर दैट डेडलाइंस रिगार्डिंग डिलीवरी और गुड्स आर मेट। क्या फ़ायदा होगा दिवाली के एक हफ्ते बाद दिया डिलीवर हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, वेस्ट होगा। जैसे आज का अखबार कल आए, कोई वैल्यू है उसकी? नहीं। सो इन द कोर्स ऑफ द डे शी मीट्स कस्टमर्स फॉर अ जनरल फीडबैक। आमतौर पर हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, हम भी करते हैं हमारे कोचिंग क्लासेस में। फीडबैक्स पेरेंट्स से लेते हैं, स्टूडेंट से लेते हैं कि क्या उन्हें चाहिए। सजेशंस अगर उनके पास कोई हैं तो वो भी हम लेते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सुहासिनी फैब मार्ट की मैनेजर हैं, उसी तरह से बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, HCL एंटरप्राइजेस के शिव नाडर, पेप्सिको की इंदिरा नूई, और यहाँ तक कि आपके स्कूल की प्रिंसिपल तक हेड ऑफ द मैनेजमेंट हैं। ये सब मैनेज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस को, सब मैनेज करते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, लार्ज कॉरपोरेशंस। ये सब ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है टू अचीव समथिंग, नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज और व्हाट इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन। What is the thing that is in common? Management and managers. Definition देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। एक तो ये English name जो अंकल लोगों के होते हैं, management gurus हैं basically, ये अंकल थोड़ा सा respect way पे बोलना चाहिए, we should not take name directly. Jokes apart, management से या किसी भी चीज़ की डेफिनेशन से डरो मत। डेफिनेशन क्या होती है? अगर देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अब जैसे हमने पीछे जो चीज़ें समझी उससे हमें क्या समझा? पर्सन वर्क एज अ मैनेजर, हिज और हर वर्क कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फंक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बन गई डेफिनेशन। थोड़ी सी इंग्लिश चाहिए, नहीं अच्छी है तो डिक्शनरी यूज़ करो, अपने आप अपग्रेड होगी, और एक दिन दो दिन में नहीं होगी। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड फ्रैंक टू यू, इट टेक्स ईयर्स टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। सो दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। यह मुझे एक
कहीं सुना था याद आ रहा है कि सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। चीज़ें थोड़ा सा हट करके मैनेज करो, अपनी स्टडीज़ देखो कैसे टॉप करते हो। सो हम जब पेपर लिखते हैं तो हमें एटलीस्ट दो डेफिनेशंस लिखनी पड़ती हैं इंट्रोडक्शन के बाद। सो तीन चार पांच लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशंस दी हैं, हैरल्ड कून्स, हाइंस वेरिच, रॉबर्ट एल ट्रुवेली, एम जीन न्यूपोर्ट क्रीटनो। हैरल्ड कून्स एंड हाइंस का क्या कहना है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्पलिश सिलेक्टेड एम्स। वही बात कही है जो हम समझते आ रहे हैं, वर्ड्स डिफरेंट हैं, वोकेबलरी एनरिच होगी तो आसानी से समझ में आएगा। अब देखते हैं रॉबर्ट अंकल और जीन अंकल ने क्या कहा। मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्ड दोनों याद रखना व्हेन स्टडी मैनेजमेंट और अलाइड सब्जेक्ट्स। सेम चीज़ कह रहे हैं, वर्ड्स डिफरेंट हैं। क्रीटनर इन्होंने कहा मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय इफेक्टिवली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सेम चीज़ कह रहे हैं, वर्ड्स अलग हैं, वोकेबलरी एनरिच करो आ जाएगा, यकीन मानो। और दो तीन बार लिखो हर एक डेफिनेशन, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू। एंड प्लीज़ डू नॉट लर्न इट, अंडरस्टैंड इट। आई गारंटी यू, यू विल बी एबल टू राइट एग्जैक्टली व्हाट ही सेज। अंडरस्टैंड, डू नॉट मग अप। तो जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल देखते हुए, केस स्टडी समझते हुए मैनेजमेंट को समझा, सो हमें क्या समझ में आया कि मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेयर एवर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क, बट दे आर ऑल वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड अ गोल। Thus, management has to see that tasks are completed and goals are achieved. This is called effectiveness. With least amount of resources at a minimum cost, that is called efficiency. Got it? एक example से समझो, घर में birthday party होती है। पहले जब हम छोटे थे, हमारी birthday parties होती थी, तो हमारे 20 दोस्त जैसे आते थे। सो उसमें से जो चार और पांच खास दोस्त होते थे, वो पार्टी के दो तीन घंटे पहले आकर के हमारी हेल्प कर देते थे डेकोरेशंस में। कोई म्यूज़िक अरेंज कर लेता था, सीडीज़ वगैरह में गाने कॉपी करके या पेन ड्राइव में ले आते थे। सो ये इफ़ेक्टिव वर्क होता था। देखो, पार्टी तो रॉकिंग करनी है, हम मिलजुल के करते थे। आजकल क्या होता है, इवेंट प्लानर बुला लो, इवेंट प्लानर और चार लोगों को ले आएगा, डीजे आ जाएगा, खाने वाला केटरर आ जाएगा, डेकोरेटर आ जाएगा और बिल पहुंच जाएगा लाख रुपए। क्या हुआ, क्या बोल रहा है मैनेजमेंट, टास्क हैज़ टू बी कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड। गोल क्या था यहाँ पे, पार्टी आपकी रॉकिंग हो, इफेक्टिवनेस हो, इफेक्टिव हो, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट अ मिनिमम कॉस्ट। वो तो आपने देखा ही नहीं, लाख रुपए जाएंगे, जाने दो, मम्मी पापा के जा रहे हैं, अपने कौन से जा रहे हैं, समझ आया? ये है। सो मैनेजमेंट क्या करता है, जहाँ जहाँ हो सके पैसे बचाता है, जितना हो सके पैसे बचाता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज में
मैक्सिमम आउटपुट, और यकीन मानो तुम्हारा जो ये इवेंट प्लानर वाले पार्टी देते थे उससे कहीं ज़्यादा रंगीन हमारी पार्टीज हुआ करती थी। फैक्ट है, अपने पेरेंट्स से पूछो। सो कम बैक टू द टॉपिक, मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली बोथ। We need to analyze this definition. There are certain terms which require elaboration here. So वो तीन terms हैं, process, effectively and efficiently. क्या है ये? Process in the definitions means the primary functions or activities that management performs to get things done. These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये सारे के सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर होंगे। सो प्रोसेस समझ में आया, वो पहला काम जो मैनेजमेंट को करना है। अब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है वो समझते हैं। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क, जो काम दिया उसको ख़त्म करना है। अब जैसा मैंने रिपीट किया था, सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। मैनेजमेंट ऐसा रखो कि चीज़ें खुद ब खुद शानदार और जानदार लोगों को दिखनी चाहिए। सो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, काम दिया है ख़त्म करो, दैट्स इट। अब आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, सही तरह से करो एंड यूज मिनिमम कॉस्ट। बर्थडे पार्टी वाले एग्जांपल से समझा होगा, उसी तरह से बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप एक अच्छी कंपनी के मैनेजर हो जाते हैं एंड CEO is also the manager of the company. Got it? IAS officer, collector जो होता है, he is the manager of the district. He manages the district. इसलिए उसे district magistrate भी कहा जाता है. Indian administrative services, administration is the management. So come back to the efficiency. There is a kind of cost benefit analysis involved and the relationship between inputs and outputs. If by using less resource, that means the inputs, more benefits are derived, then efficiency has increased. But naturally, आपने लाख रुपए बचा लिए, आपके चार दोस्त आ गए, वो भी खुश हो गए, आपको भी अपनापन लगा और आपका काम भी हो गया, पैसे भी बच गए मम्मी पापा के, बोलो हुआ ना efficient? So obviously, management likewise is concerned with the efficient use of these resources because they reduce costs and ultimately lead to higher profits, जो main aim किसी भी organization के management का होता है। अब थोड़ा और clear करते हैं effectiveness और efficiency को इन दोनों में comparison करके। ये question बहुत important है, case study में भी इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट हैज़ टू लुक आफ्टर वाइल बैलेंसिंग बोथ दीज टर्म्स। समटाइम्स इफेक्टिवनेस हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज विद एफिशिएंसी। इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी, दैट इज़ कम्प्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हाई कॉस्ट। कभी कभी करना पड़ता है। ध्यान से सुनो, मान लो एक कंपनी का टारगेट प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स है, एक साल में हम 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेल्योर मोस्ट ऑफ द टाइम। मान लीजिए कंपनी या फैक्ट्री ऐसी जगह सेटअप है 24 घंटे पावर सप्लाई नहीं है, तो जितनी पावर आ रही है उस हिसाब से डबल काम होगा। देन ओनली द मैनेजर इज़ एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स इन अ ईयर। बट यहाँ क्या होगा,
जब आप डबल काम करवा रहे हो तो डबल लेबर लगेगा, डबल इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, सो कॉस्ट डबल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है कोई। सो इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशियंट, सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स दैट इज लेबर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट वर यूज। अंडरस्टूड? कभी कभी ऐसा भी होता है, अ बिजनेस में कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। नतीजा, कॉन्सिक्वेंटली द गुड्स डू नॉट रीच द मार्केट एंड हेंस द डिमांड फॉर देम डिक्लाइंस, डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है। इकोनॉमिक्स आ गया अब यहाँ पे। इस दौरान क्या होता है, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, मौके परस्त लोग होते हैं जिन्हें कॉम्पिटिटर्स कहा जाता है, ये आ जाते हैं मार्केट में। दिस इज़ अ केस ऑफ बींग एफिशियंट बट नॉट इफेक्टिव सिंस द गुड्स डिड नॉट रीच द मार्केट। तुम्हारा काम क्या था, टारगेट क्या था, सामान पहुंचाना, नहीं हुआ, लॉस हो गया, किससे, कॉम्पिटिटर आ गया। Therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources such that as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. Usually, high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers. But undue emphasis on high efficiency without being effective is also not desirable. Poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. Got it? हर एक चीज़ का दुनिया में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होता है। जैसे तुम्हारे हैं दो आँख, एक नाक, दो कान, एक मुंह, दो पैर, दो हाथ, वैसे मैनेजमेंट के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये मत पूछना अब कि सर कितने पॉइंट्स लिखने हैं, सात के सातों लिखने हैं। प्लीज़ डू नॉट डू नेगोशिएशंस एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। अधिकतर बच्चे तो पेरेंट्स से आजकल नेगोशिएशन सीखते हैं, जो फीस में भी आजकल करते हैं, बट प्लीज़ हर जगह नेगोशिएशंस मत करो। समझो सारे पॉइंट्स, अपने आप आ जाएंगे। एंड जितने भी वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता हो ना, डिक्शनरी से देख के लिख लो उसे, और अंडरलाइन कर लेना डिक्शनरी में वो वर्ड, ताकि दोबारा कभी देखना नहीं पड़ेगा, फिट हो जाएगा माइंड में। सो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी उनके हिसाब से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो गेस कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक विजन के साथ खड़ा हुआ, वो विजन ही उसका गोल होता है। बट नेचुरली उसमें आने वाले जितने उसके मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ होंगे वो उसी विजन के लिए काम करेंगे। Got it? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स, बट द गोल ऑफ द स्पास्टिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो मैनेजमेंट हियर यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑल परवेजिव, परवेजिव मतलब नहीं मालूम, प्लीज़ रेफर डिक्शनरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू। सो द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पोलिटिकल। अ पेट्रोल पम्प नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। हर एक चीज़ को प्रॉपरली अगर आप चला रहे हो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब बॉस टू रन एन एंटरप्राइज, बी इट अ स्मॉल शॉप, अ पेटी शॉप, किराना स्टोर हो। वॉट मैनेजर्स डू इन इंडिया, इन द यू एस, इन द जर्मनी और इन द जापान, इट इज़ द सेम, दे मैनेज द कंपनी। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द डिफरेंसेज इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, बट अल्टीमेट गोल वॉज सेम है। मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तीन तीन चीज़ें हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेम वर्क,
इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जैसे गारमेंट स्टोर में हो गया। इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर्स नीड इज सेटिस्फाइड एंड इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड। दोनों में ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। सो मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। एक तरफ गारमेंट शॉप में लोग कपड़े देख करके खुश हो जाते हैं, उनके पसंद का मिल गया तो ख़रीद लेते हैं, दे आर सेटिस्फाइड। एक बीमार का इलाज करवाने वो खुद जाता है या उसके परिवार वाले लेके जाते हैं, सो उसका ट्रीटमेंट वो ठीक हो गया, ये भी एक तरह का सेटिस्फेक्शन है। सो दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, डिसीजंस टू बी मेड, प्लान्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, बजट्स टू बी प्रिपेयर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी असाइंड एंड अथॉरिटी टू बी डेलीगेटेड। थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश हो गई ना, आदत डालो, लिख के लो सारे नोट्स, लिख के लो। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहा जाता है। एक डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, दैट इज़ कॉल्ड एचआर डिपार्टमेंट, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। पीपल लोग जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या देश के लिए उसका धरोहर होते हैं। दे आर द ग्रेटेस्ट असेट डिस्पाइट ऑल डिवेलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। लोगों से काम करवा के लो। मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डायमेंशंस, इट एम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो इतना आसान नहीं होता है। कोई किसी दिमाग का है, कोई तेज़ दिमाग का है, कोई बिल्कुल शांत है, कोई नंब है, आपको हर किसी के साथ डील करना है। सो द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट। उनके एक जो सीनियर होता है उसका काम है अपने जूनियर के वीकनेसेस को इम्प्रूव करना, उसके थ्रेट्स को दूर करना, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना। तो ही आप लीडर बन पाओगे। सीनियर हर कोई होता है, लीडर बहुत कम होते हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब वो सारे काम, से वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं होता है, ऑपरेशन मतलब कोई भी काम। जैसे आप सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ये सब भी ऑपरेशंस हैं। कंपनीज होगी सो उनके ऑपरेशंस अलग होते हैं। सो नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। बिजनेस आज से शुरू नहीं हुआ है, जब से सिविलाइजेशंस, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं तब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस दो ही चीज़ों का होता था भाई। ओवरऑल दुनिया में दो ही चीज़ें तो बिकती हैं, या तो माल यानी गुड्स, और या तो सेवा यानी कि सर्विसेज, जो टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इन सब की होती हैं। अब हम लोगों की सर्विसेज थोड़ी तुम लोग कि दुकान में जाके बोल दो एक किलो अभिलाष सर का लेक्चर दे दो, आधा किलो श्रेया मैडम का लेक्चर दे दो, ऐसा नहीं होता ना। तो वो आते हैं सर्विस कैटेगरी में। सो दीज थिंग्स रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस विच एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर कंसम्पशन। दिस इज इंटरलिंक्ड विथ बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ द पीपल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नोट्स बनाते चलना। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कॉम्पोजिट बट इट हैज़ सेपरेट फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिफाइनिंग, डायरेक्शन, एम्प्लॉइंग स्टाफ एंड कंट्रोलिंग ऑल। दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म, साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, बाय ऑल मैनेजर्स ऑल द टाइम। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट, हम जाते हैं थोड़ा पीछे सुहासिनी के पास, फैब मार्ट वाली जो मैनेजर हैं, ही परफॉर्म्स सेवरल डिफरेंट टास्क इन अ सिंगल डे।
Some days she may spend more time in planning a future exhibition, and on another day she may spend time in sorting out an employee's problem. So ये सारे टास्क मैनेजर के जो होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शंस. एक मैनेजर का दिमाग कभी शांत हो ही नहीं सकता है. ग्रुप एक्टिविटी, इतना सब हम लोग पढ़ चुके हैं, सो ये समझाने की ज़रूरत है क्या? दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स. अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. इट्स एज सिंपल एज दैट. देन इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन एज इट हैज़ टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे 30 मार कहाँ पहले होते थे, अरे घर में तो मेरा 10 मिनट नहीं पैर रुकता है, 10 मिनट नहीं टिकता. अब कैसे रुके हुए हो? कर रहे हो ना एडजस्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ. सो मैनेजमेंट जो होता है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट्स विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फैक्टर्स. सो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्सेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट. कुछ लोग थे, नहीं मेरे को तो डेली होटल का खाना जमता है, रेस्टोरेंट का खाना खाने का. अब कहाँ से आ रहा है? एडजस्ट कर रहे हो ना, और जो एडजस्ट कर रहा है वही सर्वाइव कर रहा है खुशी से. तो यहाँ एक एग्जाम्पल दे के बताया भी क्या है मैकडोनल्ड्स का. मैकडोनल्ड्स मालूम होगा, द फास्ट फूड चेन. इट मेड मेजर चेंजेस इन इट्स मेन्यू टू बी एबल टू सर्वाइव इन द इंडियन मार्केट. वो जिस देश में भी अपना खोलता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के उस जगह के टेस्ट को इन्फ्यूज़ करता है. जैसे मैं कालू टिक्की, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं. आई रेयरली गो टू सच जायंट्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, आई डोंट गो. सो ये चेंजेस अडाप्ट करना भी मैनेजमेंट का एक अभिन्न अंग है. सातवां, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस. द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एंड देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टीड ऑफ क्योज. झगड़ा तमाशा साइड करो, काम करो, काम करने आए हो वही करो. सो ये हैं मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये एक फ्लो चार्ट टाइप का डायग्राम बनाया गया है टू मेक यू अंडरस्टैंड द मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट. सो इस तरह के डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो, एंड आपके जब पेपर्स होंगे या टेस्ट होंगे ना, उसमें ये सब बनाओ, क्योंकि इससे तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है. और प्रेजेंटेशन स्किल एग्ज़ाम में मार्क्स के लिए इज़ नॉट माय क्राइटेरिया, इज़ नॉट व्हाट आई वाउच फॉर. इट इज़ फॉर यू अंडरस्टैंडिंग. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द थिंग दैट वी हैव डेल्ट. सो डू प्रैक्टिस दिस डायग्राम इफेक्टिवली एंड एफिशेंटली. ओके, एक और केस स्टडी आ गई, द मैनेजमेंट मंत्रा फ्रॉम GE जनरल इलेक्ट्रिकल्स. जैक वेल्श वॉज अपॉइंटेड CEO ऑफ GE इन 1981. एट दैट टाइम द फर्म हैड अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $13 billion. इन द ईयर 2000 व्हेन ही स्टेप्ड डाउन द फर्म्स टर्नओवर हैड इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, $13 billion से $500 billion. क्या सीक्रेट था? व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ वेल्श सक्सेस? ही हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग पॉइंटर्स फॉर मैनेजर्स टू बी सक्सेसफुल. द वेरी फर्स्ट वन, क्रिएट अ विजन, सोच बनाओ, एंड देन इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन, जोश भरो टू मेक दिस विजन अ रियलिटी. अपने सपने को सच करो. गेट पीपल सो पैशनेट, जुनून भरो लोगों के अंदर व्हाट दे आर डूइंग दैट दे कैन नॉट वेट टू एग्जीक्यूट दिस प्लान. हैव ग्रेट एनर्जी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट
and the ability to spark excitement and achieve results. Search for leaders who have the same qualities. ये पहला मंत्र था. दूसरा, focus on strategic issues. Your job is to understand the vital issues within each of your businesses. Recognize the talent needed to win in those markets. Strategic issues पे focus करो. वो सारे important issues जो आपके business से related हों, उन talents को पहचानो और उनको अपने साथ करो to win in the markets. तीसरा, focus on the main issue. Your job is to see the big picture, boss. छोटी चीज़ें मत सोचो, तो कम से कम बड़ा कर नहीं सकते, बड़ा तो सोच तो सकते हो. डोंट मैनेज एवरी डिटेल, डोंट गेट कॉट अप इन द मिनट डिटेल्स. छोटी छोटी चीज़ों को, डो नॉट गेट कॉट अप इन टू द माइन्यूट डिटेल्स, बट इंस्टीड इंस्पायर अदर्स टू एग्जीक्यूट सम ऑफ योर विजन. सराउंड योर सेल्फ विद ग्रेट पीपल. वो तो हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, सोहबत संगत अच्छे लोगों की रखो. And trust them to do their job and contribute their best to the organization. Next mantra is involve everyone. Welcome great ideas from everywhere. जहाँ से जो मिले सीखते चलो. आज मैं भी सीखता हूँ, मेरे पास जो student आता है उससे भी मैं सीखता हूँ. I am not the best. To be the best you have to learn till you die. हर किसी से सीखो, हर कोई कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा देगा, अच्छी चीज़ें सिखाएगा. अच्छे लोगों की सोहबत इसीलिए रखनी चाहिए क्योंकि हम लोगों से सीखते बहुत जल्दी हैं. तो अगर जिस तरह की संगत रखोगे उस तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे, और जिस तरह के लोग मिलेंगे वैसे ही तुम होते जाओगे. सो न्यू आइडियाज़ आर द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द फ्यूल दैट मेक्स इट रन. द हीरो इज़ द पर्सन विद अ न्यू आइडिया. हीरो वही है जिसके पास नए विचार हैं, नई सोच है. देर इज सिंपली नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैन एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड क्रिएटिंग अ विजन. नेक्स्ट मंत्र इज द लीड बाय एग्जाम्पल टू स्पार्क अदर्स टू परफॉर्म. यू मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल. जैक वेल्श मास्टरी ऑफ द फोर ईज ऑफ लीडरशिप. एनर्जी, एनर्जाइज, एज एंड एग्जीक्यूशन. It was always in evidence. He had great energy, sparked others, had incredible competitive spirit, and had a record of execution that was second to none. This is a key of the Welsh phenomenon. Had he been lacking in any of the traits he espoused, he would not have commanded such acclaim. Jo cheez unhone nahi kiya, us cheez ka gungaan wo karte nahi. ये बहुत ही अच्छी केस स्टडी है, बहुत ही एनर्जाइज कर दी होगी आपको. इसका सोर्स www.ge.co.in से हमें मिला. सो ये मैनेजमेंट मंत्र थे जनरल इलेक्ट्रिक से, जिसने $13 बिलियन से लेकर के $500 बिलियन तक का सफ़र तय किया 1981 से 2000 तक के दरमियान. Objectives of management. Management seeks to achieve certain objectives which are the desired result of any activity. They must be derived from the basic purpose of the business. So किसी भी organization में अलग अलग तरह के objectives होते हैं, और management को इन objectives को achieve करना in effective and efficient manner ज़रूरी है. So इन objectives को classify किया गया है into social, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज़ टू अचीव अ वेराइटी. देख रहे हैं आप, कई सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं. सो
थोड़ा सा यही एक ट्रिक है, आप समझ सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ में मोस्टली ये होता है, कई सारी चीज़ें रिपीट होती जाती हैं, तो थोड़ा स्मार्टली समझो। सो इट हैज़ टू अचीव अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन ऑल एरियाज़ कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स एंड दी गवर्नमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस, ताकि उससे पूरा मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज हम निकाल सकें, एंड टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सर्वाइवल, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल रेवेन्यूज से आएंगे, इनकम से आएंगे। दूसरा है प्रॉफिट। सर्वाइवल ही ज़रूरी नहीं है, सर्वाइवल के साथ मोटिवेशन के लिए प्रॉफिट ज़रूरी है। सो प्रॉफिट इज़ अनदर ऑब्जेक्टिव। देन ग्रोथ, बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करना। तो उसके कस्टमर्स, उसके क्लाइंट्स, उसके शेयर होल्डर्स जो हैं, दे शुड इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आज लॉकडाउन का पीरियड है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए दान कर रही हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की वजह से, क्योंकि सोसाइटी, समाज के लिए भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है, और वो दिल से करता है, खुशी से करता है। वेदर इट इज़ अ बिजनेस और अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। बहुत सारे लॉज भी अभी आ गए हैं। दिस रिफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। दिस इंक्लूड्स यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल, क्रेश एम्प्लॉयज़ के लिए, बच्चों के लिए एम्प्लॉयज़ के। द बॉक्स गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स हाउ अ कंपनी कैन फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर सून गोइंग टू डील विद अनदर केस स्टडी। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग केस स्टडी नाउ। अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशंस किससे बना है? लोगों से। इट इज़ मेड अप ऑफ पीपल जिनके अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, बैकग्राउंड्स हैं, एक्सपीरियंस हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन to satisfy their diverse needs. These vary from financial needs, जैसे salaries होती हैं, perks होते हैं। perks समझते हो? Not that chocolate. Perks are the extra appreciation or motivation given to the employees by the company for their good work as an appreciation. Social needs such as peer recognition and higher level needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with social and organizational objectives for harmony in the organization. एक आदमी काम कर रहा है 10 साल से, उसको प्रमोशन दे दो थोड़ा सा, उसकी डेजिग्नेशन बढ़ा दो, थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, हर साल बढ़ाते रहो, मोटिवेट होता है। अब एक 10 साल से कर रहा है, कि 1 साल पहले आया हुआ है, अगर कोई है, आप उसको प्रमोशन दे रहे हो, सैलरी हाइक दे रहे हो, 10 साल वाला बेचारा जो है उसको बुरा लगेगा। सो ये मैनेजमेंट का काम है, ये हारमोनी को मेंटेन करना। एक और केस स्टडी आई हमारे पास, ITC एम्पावरिंग रूरल इंडिया। इसका सोर्स है मोहनबीर सोने, मैकॉमिक ट्रिब्यून प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी, केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वी थैंक्स for such a lovely information. A quiet digital revolution is reshaping the lives of farmers in remote Indian villages. गाँव में डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ, कैसे? पहले तो इन दीज विलेजेस फार्मर्स ग्रो सोयाबीन्स, वीट एंड कॉफी इन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, एज दे हैव डन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कई पीढ़ियों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। अ टिपिकल विलेज हैज़ नो रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ एंटीक्वेटेड टेलीफोन लाइन्स, सो कम्युनिकेशन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है।
फार्मर्स आर लार्जली इलिटरेट, अनपढ़ हैं, एंड हैव नेवर इवन सीन अ कंप्यूटर. बट फार्मर्स इन दीज विलेजेस आर कंडक्टिंग ई बिजनेस थ्रू एन इनिशिएटिव कॉल्ड ई चौपाल, क्रिएटेड बाय ITC, विच इज़ येट अनदर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड एग्री बिजनेस कंपनीज. ITC का ई चौपाल इनिशिएटिव एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फुलफिल करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिक एम इनके प्रोग्राम का ये है कि ये प्रोवाइड करें फार्मर्स को, वो फार्मर्स जो रूरल इंडिया में हैं, विद द अपॉर्चुनिटी टू मेक यूज़ ऑफ अ डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, एलिमिनेटिंग मल्टीपल इंटरमीडिएशन, जो बीच के बिचौलिए दलाल होते थे इनको ख़त्म किया, डायरेक्ट कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से मिलवाया, और वेस्टफुल हैंडलिंग, अननेसेसरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट किए. ये एक सिंगल लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन था बाय अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन रूरल इंडिया, जिसने किसानों की जिंदगी बदल दी. इट ट्रांसफॉर्म द इंडियन फार्मर इंटू प्रोग्रेसिव नॉलेज सीकिंग सिटीजन, एनरिचिंग हिम विद नॉलेज एंड एलिवेटिंग हिम टू अ न्यू ऑर्डर ऑफ एम्पावरमेंट. ई चौपाल डिलीवर्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन एंड कस्टमाइज नॉलेज टू इम्प्रूव द फार्मर्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, thereby बेटर अलाइनिंग फार्म आउटपुट टू मार्केट डिमांड्स. यानी कि ई चौपाल की वजह से जो फ़ायदा वाकई में वास्तव में किसानों को होना चाहिए वो उन्हें मिलने लगा. गांव में एक चौपाल संचालक होता था जो इसे ऑपरेट करना सिखाता था. लोगों की कुछ समस्या हो तो उनको उनका समाधान करके देता था. ई चौपाल स्मार्ट कार्ड से इनेबल किए गए, जिसने फार्मर आइडेंटिफिकेशन किया टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द ई चौपाल वेबसाइट. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर कैप्चर्ड टू रिवॉर्ड फार्मर्स फॉर वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ यूसेज. ई चौपाल इनिशिएटिव हैज़ फाउंड इट्स वे इन टू द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम हिंदुस्तानियों के लिए. एज अ लीडिंग केस स्टडी इलस्ट्रेटिंग द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बाय अ लीडिंग बिजनेस हाउस फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल पीपल. जैसा मैंने आपको बोला स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, इन सब बड़े बड़े बिजनेस स्कूल में आपको केस स्टडी से ही सारी चीज़ें समझाई जाती हैं. और अब ये हमारे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है. सो फोकस मोर अपॉन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग द केस स्टडीज. लेक्चर बोरिंग लग रहा है या अगर थोड़ा फेंटेड फील कर रहे हो सो टेक अ ब्रेक, पॉज कर दो चैनल को, कम बैक आफ्टर 15 मिनट्स एंड देन वील स्टार्ट अप विद द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो यहाँ पे अब देखना सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हम स्टार्टिंग में कवर अप कर चुके हैं. जैसे इम्पोर्टेंस में जब हम जाएंगे, हैविंग अंडरस्टूड दैट मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, दे आर सो इम्पॉर्टेंट टू अस इन द फॉलोइंग वेज. इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर एज वेल. मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशियंसी, दिस ऑल्सो वी हैव डेल्ट इन डिटेल. मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. ये स्किल अगर समझ गए सो बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. इफ़ योर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ द चैप्टर्स आर क्लियर विच वी हैव डेल्ट बिफोर, एज यू कैन सी एक एक चीज़ें पहले से ही उठा करके डाल दी गई हैं. सो यू जस्ट नीड टू बी शार्प एंड स्मार्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़. नोट्स बनाते चलना, रेफर योर बुक एंड डू मेक्स द नोट्स प्रॉपरली इन अ पॉइंट वाइज मैनर. अंडरलाइन करो अच्छे से. मोस्टली गर्ल्स बहुत खूबसूरत नोट्स बनाती हैं. वाइट
सॉरी, ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करो, ब्लैक से हेडिंग दो, अंडरलाइन करो, ब्लू से लिखो, कुछ अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। इम्पोर्टेंस के बाद नाउ विल सी अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज से नहीं शुरू हुआ है। इट हैज़ इट्स रूट एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। ऑल दो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफ रीसेंट ओरिजिन, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हैज़ एग्जिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशंस। In fact, organizations may be considered the distinguishing feature that separated civilized society from the uncivilized ones. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of the experiences of governmental and commercial activities. The development of trade and commerce gradually led to the development of management principles and practices. The term management today has several different connotations that highlight the different aspects of its nature. The study of management has evolved over a period of time, along with the modern organization, based both on the experience and the practice of managers and set of theoretical relationships. Over a period of time, it has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. However, one question that needs to be addressed pertaining to the nature of management is whether it is a science or it is an art, or is it both? So in order to answer this, let us examine the features of both science and art and relate it with management. Let's see what we get. एक बड़ी आम तौर पे बच्चों में लड़ाई होती है, स्पेशली जब वो 10th से 11th में जाते हैं, कोई स्टेट बोर्ड CBSE में या ICSE में, तो 9th में सब्जेक्ट्स ऑप्शन होते हैं, तो लोग अपनी अपनी स्ट्रीम को बोलते हैं कि नहीं, साइंस बेस्ट है, कॉमर्स बेस्ट है, आर्ट्स बेस्ट है। तो ये बहुत ही मतलब चीप फाइट होती है। बिलीव मी, थ्रू माई एक्सपीरियंस आई कैन से आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट टिल स्टैंडर्ड 12th, देन आई मूव्ड इन टू द मैनेजमेंट कॉमर्स सेक्शन। सो हर एक जगह की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। नो बडी इज़ बेस्ट एंड कोई किसी को नीचा मत दिखाओ। एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, सो रिस्पेक्ट ईच अदर। वो कोई भी स्ट्रीम से हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि वो आर्ट से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, इस पर झगड़ो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट क्या होता है? हिंदी में आर्ट को कला कहते हैं। आर्ट इज़ अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, राइट? इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, थ्रू ऑब्जर्वेशन और थ्रू योर एक्सपीरियंस। सिंस आर्ट इज कंसर्न्ड विद पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सम काइंड ऑफ इंजेन्युइटी एंड क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड to practice the basic principles learned. So here the basic features of an art, according to all these details, is the existing of theoretical knowledge. So art presupposes the existence of certain theoretical knowledge. Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art, for example, literature on dancing, public speaking, acting or music. These all are widely recognized art, right? So ये एक हमने ले लिया मैनेजमेंट से कंपेयर करने के लिए, थ्योरेटिकल नॉलेज वहाँ भी होता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। द यूज़ ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आर्ट, देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स, टू एक्टर्स और टू राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डेमॉन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट। सेम वे मैनेजर भी जो होता है, वो भले दोनों ही MBA करे हों, लेकिन उनकी थिंकिंग, उनका एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव और थ्रू हिज पास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग होंगे, डिफर होंगे।
सेम सिचुएशन में डिफर्ड डिफरेंट डिसीजंस हो सकते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑल आर्ट इज़ प्रैक्टिकल, आर्ट इन्वॉल्व्स अ क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। सो वी ऑल नो दैट ऑल म्यूजिक इज़ बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स बेसिकली। उसी तरह MBA करके सारे मैनेजर आते हैं, सभी ज्ञान वही पढ़ते हैं बट एप्लीकेशन अलग अलग लगाते हैं अपनी सूझबूझ के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने अपनी सोच के हिसाब से। तो ये सारे ट्रेड्स हमने देखे, अब इसको देखते हैं मैनेजमेंट के साथ ही कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑल सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी ऑब्जर्वेशन एंड हिज एक्सपीरियंस। सो बहुत सारे लिटरेचर अवेलेबल हैं इन द वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फिनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेस, जो एक मैनेजर स्पेशलाइज करता है तो वो पढ़ के आता है। सो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट में भी देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज रिलेटेड। बहुत सारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। एक मैनेजर अप्लाई करता है इन साइंटिफिक मेथड्स एंड बॉडी ऑफ नॉलेज को टू अ गिवन सिचुएशन और एक इशू और किसी प्रॉब्लम के लिए अपने अलग अंदाज में, इन हिज ओन यूनिक मैनर। तो ये कॉम्बिनेशन उसकी प्रैक्टिस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का, इनिशिएटिव का, इनोवेशन का, ये क्या है? कला ही है जो हर इंसान की अलग है। इसके बाद आते हैं तीसरे, द मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। सो वो सिचुएशन से वो कैसे लड़ना चाहता है, कैसे उससे ओवरकम करना चाहता है या उसको सॉर्ट आउट करना चाहता है। सो ही हैज़ टू इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़, क्रिटिकल सिचुएशंस को स्टडी करके अपना अलग थ्योरी फॉर्मुलेट करेगा। सो दिस गिव राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए इसे आर्ट कैटेगरी में रखा गया। बेस्ट मैनेजर्स वो होते हैं जो कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, हाईली ट्रेंड, वेल एडुकेटेड, विद पर्सनल एबिलिटी एंड क्वालिटी सच एज एम्बिशन, सेल्फ मोटिवेशन, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो इस सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. Now I hope you also agree that management is an art, correct? Now let's see if it is a science. Management as a science अगर हम पढ़ें, सब देखिए, science इन चीज़ों को मानती है। पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कुछ हो रहा है तो उसका कारण होगा, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो द फिनोमिनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स द ग्राउंड, हाउ इट इज एक्सप्लेन्ड? ये फॉलिंग ऑन द ग्राउंड तक तो ठीक है, कला हो गई, गिर गया, क्यों गिरा? साइंस स्टूडेंट बड़ा क्यूरियस होता है, उसको क्यों का जवाब चाहिए होता है हमेशा। अब चूँकि मैं दोनों बैकग्राउंड से हूँ, सो आई कैन सी दीज लाइन्स फ्रॉम अ साइंस स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल। सो ये एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टूवर्ड्स द ग्राउंड, ये तब एक साइंस स्टूडेंट शांत हुआ जब उसको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आ गया। दूसरा आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं वो, उसके बाद टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस में, तब कहीं जा कर के उन्हें होता है एतबार। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमेशा यूनिवर्सल वैलिडिटी और उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड होते हैं। सो इन ऊपर दिए हुए तथ्यों के आधार पे मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, उनके खुद के थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स उसके ऊपर बेस करके बनाए जाते हैं, एंड दे ड्रॉ अदर डिसिप्लिन एज वेल।
सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। सो आई होप इन सारे डिस्कशंस के बाद वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस एज वेल, करेक्ट? सो डू लिसन टू द लेक्चर, मेक नोट्स बाय लिसनिंग टू इट, दिस विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, बिलीव मी इट विल। सेकेंडली यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो टू पुट अप सम मोर इन्फॉर्मेशन। डू मेक नोट्स, दैट्स वेरी एसेंशियल। प्रोफेशन यानी कि पेशा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, हम अभी तक ये देख पाए हैं पूरे लेक्चर में कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है जिसको मैनेज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? सो अब ये धीरे धीरे एक प्रोफेशन में कैसे तब्दील हुआ? सो टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस एग्जामिन द सेलियंट फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन क्या होता है, एक पेशा क्या होता है? डॉक्टर भी एक पेशा है, लॉयर भी एक पेशा है। डॉक्टर्स क्या करते हैं? दे आर द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मेडिकल प्रोफेशनल्स, लीगल प्रोफेशनल्स, एजुकेशनिस्ट्स। सो पहला कैरेक्टरिस्ट होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सो ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। ये होता है मैनेजमेंट में, यही सिखाया जाता है मैनेजमेंट स्कूल्स में, बिजनेस स्कूल्स में। सेकेंड, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। हर इंसान हर कुछ नहीं बन सकता है। थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री, मैनेजर बनना है MBA करो, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, UPSC का एग्ज़ाम दिया जाता है, IAS मैनेजर ही है। टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, अ कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर अ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द ICAI, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। थर्ड, ए प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड एनफोर्सेस अ कोड ऑफ कंडक्ट। टू बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया, लॉयर्स हैव टू बिकम मेम्बर्स ऑफ द बार काउंसिल विच रेगुलेट्स एंड कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। ऑल डॉक्टर्स फॉर एग्जाम्पल से टेक द ओथ ऑफ एथिकल प्रैक्टिस एट द टाइम दे एंटर द प्रोफेशन। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। जैसे लॉयर का टास्क होता है इज टू एंश्योर दैट क्लाइंट को क्या मिले, न्याय मिले, जस्टिस मिले, फेयर जस्टिस। सो मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन हियर, हाउएवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन। कंप्लीटली नहीं, बट कुछ एक चीज़ें जो हैं वो मैच करती हैं। All over the world there is a marked growth in management as a discipline. It is based on a systematic body of knowledge comprising well-defined principles based on a variety of business situations. This knowledge can be acquired at different colleges and professional institutes and through a number of books and journals. The subject of management is taught at different institutions. Some of these have been set up with the specific purpose of providing management education such as the IIMs, Indian Institutes of Management in India. Entry to different institutes is usually done through an examination which is very tough and hard if your basics are not clear at this age. There is no restriction on anyone being designated or appointed as manager. Agar kisi ko doctor banna hai तो उसके पास डिग्री ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो इट्स अ क्राइम। लॉयर
ऐसे ही नहीं जाकर के दलीलें पेश कर सकते हैं अदालत में। बट मैनेजर कोई भी बन सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि MBA ही करो। तो इस वजह से इसको वेल डिफाइंड प्रोफेशन में नहीं रखा गया है। एनी वन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ही और शी पोजेस। सो ये एक पॉइंट है। अनलाइक प्रोफेशंस, जैसा मैंने क्लियर किया आपको, नॉट लाइक मेडिकल और लॉ, कोई भी नहीं जा कर के अदालत में दलीलें पेश कर सकता है और ना ही कोई ऑपरेशन कर सकता है बिना डिग्री के। इसके अलावा मैनेजमेंट में बहुत सारी एसोसिएशंस हैं। दीज एसोसिएशंस आर कंप्राइज्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक द आईमा। आईमा का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब आईमा सुन के ये तो नहीं लगा मम्मी को बुला रहे हैं आई माँ। आईमा इज AIMA, दैट इज़ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दैट हैज़ लेट डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर मेम्बर्स। देयर इज हाउएवर नो कंपल्शन फॉर मैनेजर्स टू बी मेम्बर्स ऑफ सच एन एसोसिएशन, नॉर डज इट हैव एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गनाइजेशन अचीव इट्स स्टेटेड गोल, अगेन रिपीटिंग द सेम विच वी हैव डेल्ट सो फार। सो आई होप दिस इज बाय नाउ क्लियर वेदर इट्स अ प्रोफेशन और नॉट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पिछले केस स्टडीज़ में देखा, शिव नाडर और सुहासिनी ये दोनों ही अपने अपने एंटरप्राइज की मैनेजर हैं। शिव नाडर CEO हैं, CEO ऑफ HCL एंड सुहासिनी ब्रांच मैनेजर हैं फैब मार्ट की। दोनों का एक ही काम है, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो एज अ होल संभाल रहे हैं नाडर साहब, और सुहासिनी जी अपने कंपनी के एक ब्रांच को हैंडल कर रही हैं। सो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल टर्म यूज फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइज हु आर बाउंड टुगेदर इन अ हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हायरार्की होती है, और ये हायरार्की तीन लेवल में हम पढ़ते हैं। पहला होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और तीसरा होता है सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जा सकता है। ये चेयरमैन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सो टॉप मैनेजमेंट इज़ अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स हेडिंग दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फिनेंस, मार्केटिंग एट्सेट्रा। क्रीमी लेयर टॉप लेयर के बाद बीच में आती है मिडिल मैनेजमेंट। ये लिंक होते हैं बिटवीन द टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट। कोई भी पीयून डायरेक्ट CEO के जाकर के अपनी कंप्लेंट नहीं कर सकता, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इन छोटी छोटी पेटी इश्यूज़ के लिए या और भी कई सारे ऑपरेशंस होते हैं उनको करने के लिए मिडिल लेवल पे एक मैनेजमेंट सेट करते हैं। वहाँ पे डिवीजन हेड्स रखे जाते हैं लाइक प्रोडक्शन मैनेजर एट्सेट्रा। मिडिल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप बाय टॉप मैनेजमेंट। ऊपर वाले लोग बनाएंगे प्लान, बनाएंगे स्ट्रेटजी, बीच वाले जो हैं वो कराएंगे इम्प्लीमेंट, सेम लाइक जो हमारे पार्लियामेंट में होता है। लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट कराते हैं, सेम पॉलिसी मेकिंग टॉप मैनेजमेंट। एग्जीक्यूशनर एग्जीक्यूट जो करवाते हैं, दे आर द मिडिल मैनेजमेंट। फॉर दिस दे नीड टू इंटरप्रीट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये समझते हैं पहले पॉलिसीज जो फ्रेम की जाती हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। दे इंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सोनल, पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉइज, असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिविजन ऑफ लेबर प्रॉपरली करते हैं। दे मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल, कोऑपरेट विद अदर departments for the smooth functioning of the organization, and at the same time they are also responsible for all the activities of the first line managers.
तीसरे आते हैं सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, इसमें फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स होते हैं, दे फॉर्म द लोअर लेवल इन द हायरार्की। ये दीज सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स द लेबर। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन एज दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स। जो असल लेबर से बात करना है वो ये संभालते हैं, एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्क फोर्स टू द वर्कर्स। सो द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स। सो दिस इज हाउ वी हैव डेल्ट विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Now we'll discuss about the functions of management. I hope now the management is crystal clear to you. Now the functions, the very first function involves the planning, which is a function of determining in advance what is to be done, who is to do it, क्या करना है, कौन करेगा, किससे करवाना है. This implies setting goals in advance. पहले से प्लान करके रखो. शिव नाडर का केस याद है, कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पहुँचा दी कंपनी. सोच थी, विजन था. सुहासिनी के ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोक्योरमेंट एंड सेल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, फैब्रिक्स, फर्निशिंग, रेडीमेड, हाउस होल्ड आइटम्स, ये सब सेल करते थे. सुहासिनी को क्या डिसाइड करना था, कितनी क्वांटिटी, वेराइटी, कलर, टेक्सचर, कैसे पता चलेगा, क्या लोगों को पसंद आएगा, समझ रहे हैं. तो इन सब चीज़ों की होती है प्री डिटरमिन और पहले से प्लानिंग. अकॉर्डिंगली लगाए जाते हैं सोर्सेस, तब कहीं जा कर के आपकी प्लानिंग होती है सक्सेस. फिर कॉन्टिंजेंसी प्लान क्या होता है, इमरजेंसी, कुछ आपदा हो जाए, जैसे अभी हो गई, लाखों के तादाद में बिजनेस बंद होने के कगार पे हैं, ऐसे समय पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी, ये होता है कॉन्टिंजेंसी प्लान. नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, डिवीजन ऑफ लेबर, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, एलोकेटिंग रिसोर्सेज. ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक प्लान के अंतर्गत होती हैं. वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान. सो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट है स्टाफिंग. स्टाफ रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. ड्राइवर को बोलो अपने घर का खाना बनाने को, और खाना बनाने वाले को बोलो कि गाड़ी चलाए, गाड़ी ठुक जाएगी, खाना जल जाएगा. तो कौन सा काम किस सही बंदे से करवाना है, ये होता है एचआर मैनेजमेंट. सो एचआर पर्सनल जो होते हैं इसी चीज़ के लिए ट्रेन किए जाते हैं. अगला होता है डायरेक्टिंग. मोटिवेट करो एम्प्लॉयज़ को. आज की डेट में वो युग नहीं है जहाँ पे आप राजा बन के बोल दो ये काम होना है, नहीं होगा तो गर्दन काट दो. नहीं होता बॉस, यू हैव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़. You have to establish the relationship with them. You have to establish a friendly atmosphere and environment in your organization so that they, the employees will get more courage and they do their best. Motivation and leadership are two key components of direction in today's modern management. Praise karo. Log kuch kar rahe hain, unhe kuch nahi chahiye, tumhare motivation की ज़रूरत है. दो शब्द अच्छे बोल दोगे अप्रिसिएशन के, मोटिवेट हो जाएंगे. क्रिटिसाइज़ करते रहोगे छोड़ के चले जाएंगे, तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे. सेम इज़ विद द कस्टमर, सेम इज़ विद द पेरेंट्स, एवरीबडी. इफ़ समबडी इज़ डूइंग समथिंग, इफ़ यू कैन नॉट मोटिवेट देम, डू नॉट क्रिटिसाइज देम. शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे, बात करना तो दूर. सो ये आता है मैनेजमेंट के अंतर्गत ही. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग.
Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. The task of controlling involves establishing standard of performance, measuring current performance. यहाँ comparison होता है. Control करना, कोई चीज़ ज़्यादा खर्च हो रही है तो उसको कैसे, बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है कैसे control कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को. Control हर जगह, हर तरफ, किसी भी तरह का control organization को profit की ओर ही लेके जाता है. So ये हो गए functions of management. इन सारे फंक्शंस में से कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है. सो एज वी हैव अंडरस्टूड मैनेजमेंट, रोल ऑफ अ मैनेजर, द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल द एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एट्सेट्रा. Coordination sometimes is considered as a separate function of management. कभी कभी ऐसी situation हो जाती हैं. It is however the essence of management. Coordination management का essence है. हर एक managerial function is an exercise contributing individually to coordination. Coordination is implicit and inherent in all functions of an organization. Coordination नहीं होगा दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है. जब तक भूख नहीं लगती है, भूख लगी है चुपचाप घर में बैठे रहोगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा. क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. किसके साथ? खाना कहाँ से आएगा? मम्मी के पास. सो सेम हैपन्स विद द ऑर्गेनाइजेशन. अब प्रोडक्शन मैनेजर का ईगो हर्ट हो गया, भाई साहब रॉ मटेरियल के लिए बता ही नहीं रहे हैं कि हमको चाहिए, क्योंकि उनको सेल्स वाले ने ईगो हर्ट कर दिया. तो मुंह में दही जमाने से थोड़ी आगे काम चलेगा. ऑर्गेनाइजेशन का लॉस तो नहीं करना है ना. तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है. पांच इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करता है. और ये सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है? एक मैनेजर, जो सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करके उस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन इज दैट फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ. टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. This provides the requisite amount, quality, timing and sequence of efforts, which ensures that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. So this is the coordination, and I hope so you have understood why it is called as the essence of management. Characteristics of coordination. As we have discussed lots about management, lots about the functions and lots about coordination as well, so we can conclude that characteristics involves is it integrates group efforts, it ensures unity of action, it is a continuous process, an all pervasive function, this we have dealt before also. And it is the responsibility of all managers heading different departments, and it is a deliberate function. Every manager has to equally contribute to maintain the coordination properly among each other for the welfare of the organization. There are two great management gurus, EFL Bresch and McFarland. According to them, coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeing that the tasks are performed with harmony among the members themselves. These are the words given by EFL Bresch. Inka kehna tha ki coordination ka matlab hai balance karna aur puri team ko ek saath rakhna. और उन्हें सुइटेबल एलोकेशन ऑफ टास्क देना, यानी कि जिसकी जो एबिलिटी उस हिसाब से उसको काम दो, काम दो औकात अनुसार. यू कैन नॉट गिव
द टास्क ऑफ अ प्रोडक्शन मैनेजर टू द प्यून और द प्यून्स टास्क टू द प्रोडक्शन मैनेजर, बड़ा खिचड़ी हो जाएगा। तो यही इनका कहना था। और जितना हो सके शांति के साथ, हारमनी के साथ, पीस के साथ सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ काम करें। मैकफरलैंड, इन्होंने बोला कोऑर्डिनेशन इज़ अ प्रोसेस वे बाय एन एग्जीक्यूटिव, कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव डेवलप करते हैं एक ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग इज सबऑर्डिनेट्स एंड सिक्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यू ऑफ कॉमन पर्पस। देखो बातें वही कह रहे हैं जो इस लेक्चर के पहले मिनट में कह रहे थे, सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो चेंज हैं, वोकैबुलरी एनरिच करो समझ जाएगा। महत्ता, इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, द फर्स्ट इज ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। लिसन एंड मेक नोट्स केयरफुली। ग्रोथ इन साइज, एज ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो इन साइज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे घर में जब काम ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो हम हायर कर लेते हैं मेट्स को, उसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन में काम बढ़ने लगता है तो हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। एट टाइम्स इट मे कम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज, ऑल इंडिविजुअल्स डिफर इन देयर हैबिट्स ऑफ वर्क, बैकग्राउंड अप्रोचेस टू सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स विद ईच अदर। कुछ ईगोइस्टिक होंगे, कुछ भुन्ना टाइप होंगे, कुछ बोल दो तो मुंह बना के बैठ जाएंगे बोलेंगे नहीं कुछ, कुछ रोतड़ू टाइप होंगे, कुछ चापलूस होंगे, तो बड़ी सारी एक प्रॉब्लम होती है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर विद द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट एम्प्लॉयज मे हैव देयर ओन इंडिविजुअल गोल्स ऑल्सो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। क्लियर। द सेकेंड इज द फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स एंड सेक्शंस। ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मार्केटिंग, फिनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं एंड अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो सेल्स थी पिछले साल की उससे आगे आने वाले सालों में सेल्स इंक्रीज़ कराएं एटलीस्ट 10%, चाहे वो डिस्काउंट दें या व्हाटएवर, जो भी पॉलिसी उनको करनी है किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, बट अल्टीमेट रिजल्ट इज इंक्रीज इन सेल्स इन टर्म्स ऑफ मनी। Got it. अब जब यहाँ पे हमें दिख रहा है सारे डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, तो क्यों ना कोऑर्डिनेशन रख के साथ में रहें। तीसरा है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। ये इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी and the diversity of tasks to be performed. Organization therefore need to employ a number of specialists. Specialists usually think that they only are qualified to evaluate, judge and decide according to the professional criterion. तो ये advice नहीं लेते हैं, suggestions नहीं लेते हैं दूसरों से in the matter pertaining to their area of specialization. They believe that whatever they will say is true. This often leads to conflict among different specialists as well as others. जब कोई इंसान अपनी सोच लोगों के ऊपर थोपने लगता है तो बैठे बिठाए बहुत सारे दुश्मन बना लेता है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है। Therefore, some organization expects coordination which is required by an independent person to reconcile the differences in approach, interest or opinions of the specialists as well. I hope these three points are clear to you. Mumbai do cheezon pe khadi, ek aisi city hai
जिसकी ग्लोबल रैंकिंग है, एक लोकल ट्रेन और दूसरे डब्बा वाला। इस लेक्चर में हम डब्बा वाला के ऊपर केस स्टडी करेंगे, दैट इज़ द एक्सीलेंस एपिटमी ऑफ coordination. The Dabba Walas of Mumbai is a story of a Six Sigma business enterprise. The success of the business lies in the complex yet well-coordinated exercise that is carried out on the streets of Mumbai day after day. What is the secret behind the efficiency with which their business is conducted? The story of Dabba Walas begins in the kitchens of Mumbai. After they step out of their door, someone begins the time-consuming process of preparing the worker a fresh home-cooked lunch. What happens next for demonstrates the coordination of the Dabbawala system. The first Dabbawala picks up the tiffin from home and takes it to the nearest railway station. The second Dabbawala sort out the Dabbas at the railway station according to the destination, puts them in the luggage carriage. The third one travels with the Dabbas to the railway stations nearest to the destinations. The fourth one picks up the Dabbas from the railway station and drops them at the offices. Look at the beautiful coordination story. Lots of movies appreciation is given to these Dabbawalas so far. By mid-morning, thousands of Dabbawalas are bicycling through the streets of Mumbai, ensuring a hot home-cooked lunch for their customers. The whole tiffin distribution requires negligible technology. The Dabbawala rely on low capital and they use cycles, wooden carriages, local trains to achieve their target. Work has to be done efficiently and effectively. There are several groups that work independently and network with each other to achieve their goal. Each area is divided into several small distribution sectors, and each sector is handled by a particular person. This person understands the address in that locality very well. Also, this perfection comes with practice. But naturally, many new employees work for months under the guidance of their seniors. Punctuality, time management are on top of the agenda for Dabbawalas. Whatever be the circumstances, baad aaye, barish ho, the Dabbawalas never get delayed even by a few minutes. This is one of the most interesting case study in this lecture so far. An amazing, tremendously and praiseworthy job by the Dabbawalas. Yet another case study of Rajatlal, the challenge of being a global manager. Sounds interesting? Let's see basically what it is. Rajatlal is the director of a firm that develops software solutions for the travel industry at a global level. He represents a US software service firm that outsources project work to its delivery partners in Gurgaon, software hub of North India. Ye software develop karte hain for companies in the technology, transportation and leisure sectors across the world. Rajat is the interface between his global clients and his domestic technical team. That makes his job more challenging than that of a manager who functions in a totally domestic environment. So what are the challenges of his job? It's well explained by the Rajat in the capacity of the country manager. Global manager has to deal with establishing his company's legal and business presence in the form of a local office or business partner, contacting and negotiating with clients. Your legal अगर कोई इंसान यहाँ बैठ कर के हिंदुस्तान में अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहा है तो उसको यहाँ के लीगल कंप्लाइंसेस भी फॉलो करने होंगे, वहाँ के लीगल कंप्लाइंसेस भी फॉलो करने होंगे, वाइल
मेकिंग द पॉलिसीज, अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट्स, ही हैज़ टू सी द मल्टी कल्चरल क्रॉस कल्चरल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये सारे एक चैलेंजेस हैं. फंक्शनल मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजर होने की हैसियत से ग्लोबल मैनेजर हैज़ टू इंश्योर दैट इज एबल टू सोर्स द राइट टेक्निकल स्किल्स, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिसोर्स बेस ऑफ दीज स्किल्स एंड बी एबल टू डिलीवर ऑन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स विद दीज स्किल सेट्स वर्किंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्क एनवायरमेंट. इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल टाइम जोन्स, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल्स that the client's business operates in, understanding and adapting the processes and methodology the client is familiar with. Finally, this function also includes customers' expectation management, where the functional management or the manager has to coordinate activities in India and in US, Europe, according to the customer's priorities, communicate what is possible, what is not possible, and accordingly also manage the expectations and satisfaction levels of his own employees. In the capacity of the business leader, the global manager has to be live to changing business situations and customer priorities. He has to keep track of the trends in the outsourcing and have the ability to envision upcoming opportunities as well as potential risks. So these all are the challenges that has been expressed by the Rajat Lal, being the director of the firm. So here we can conclude that it can thus be understood that the role of a global manager has evolved in much the same way the global industry and the economy have evolved. It has changed from being a single dimensional role in a defined business context circumstances to being a multifaceted role that calls for a diverse combination of technical skills, soft management and people skills, and the ability to imbibe and learn different cultural experiences. Here the source is Harvard Business School Working Knowledge article. Thanks for the same. Now here Rajat Lal has expressed his challenges being a country manager, functional manager, business leader. If you're working in a global fora, kai sari cheez hai, jaise yaar, if you're dealing with any of the Islam countries and your product is pork, it's a very big challenge for you to sell. If you are dealing in India and your product is beef, कई सारे कल्चरल ड्रॉबैक्स, कई सारे कल्चरल बैरियर्स, रिलीजियस चीज़ें, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगे. यही इन्होंने समझाना चाहा है अपने चैलेंजेस में. सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर बाय डिस्कसिंग द मैनेजमेंट इन द 21st century. आई होप द मैनेजमेंट पार्ट एंड द रोल ऑफ मैनेजर इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू, अलॉन्ग विद द फंक्शंस एंड characteristics of management. Even as we have read in this chapter, the organization and its management are changing. As boundaries between cultures and nations gets blurred and new communication technology makes it possible to think of the world as a global village, the scope of international and intercultural relationships is rapidly expanding. The modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective. So, in 21st centuries और आने वाले समय में business इतनी तेज़ी के साथ grow हो रहा है कि America में बनने वाला burger आज हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहर की गलियों में मौजूद है, KFC मौजूद है, बाहर बनने वाली गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं. उसी तरह से हर देश आपस में एक दूसरे के सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहा है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ मैनेजमेंट इन द 21st century. एंड आई होप यू हैव लाइक्ड द लेक्चर, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी लेंथी लेक्चर, आई कैन अंडरस्टैंड. बट कुछ पाने के लिए ऑफकोर्स कुछ खोना पड़ता है. सो यूटिलाइज योर टाइम, डू मेक नोट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज. फर्दर लेक्चर्स विल बी अपलोडेड सून.
सो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं एक नई सूचना या नोटिफिकेशन के साथ। अब हमारा चैनल जो है अभिलाष कोचन एजुकेशनिस्ट, उसका नाम यूट्यूब में स्टडी की अभिलाषा है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारा एम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने का है। सो आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जहाँ पे भी हो सके हमारे चैनल को शेयर करें। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब जगहों पे आप हमारे चैनल्स को शेयर करेंगे। हो सकता है आपका शेयर किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को दूर करे। ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जा रहे हैं ताकि हर बच्चा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़े शहर से हो, छोटे शहर से हो, इसे पढ़ सकता है। हमारा यही मिशन है। इसी मिशन के साथ मैं अभिलाष सिन्हा आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। शुक्रिया इतना वक्त देने का, एंड आई होप कि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। इसी तरह हम सेवा करते रहेंगे आपकी और आगे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे। मैं आप सभी से एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। काम दुनिया में बहुत से लोग बहुत अलग अलग तरह से करते हैं। उस काम को 90% लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और 10% लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये आज का कल्चर है। मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन और ज़फ़र पीरज़ादा जी का कि उन्होंने हमारे इस काम को, इस मिशन को सराहा और हमें इस अवार्ड से नवाजा। इसी तरह हम सोसाइटी के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।